सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों की खरीदी गई उपज खराब हो जाने पर अब जिले के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी कड़ी में सांसद ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। सिवनी में खरीदी गई उपज के खराब होने के बाद लगातार जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठ रही थी। इसी कड़ी में सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि परिवहन की ठीक व्यवस्था ना होने के कारण खरीदा गया अनाज बड़ी संख्या में रिजेक्ट किया गया है। पूर्व वर्षों में भी परिवहनकर्ता के विरुद्ध शिकायतें आती रही हैं, जो आज भी शोध का विषय है। इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बार आपको पता है कि मध्य प्रदेश के किसानों ने इतनी मेहनत की कि हम लगभग पंजाब से इस बार आगे निकल गए। इस तरह से हम कह सकते हैं जिस तरह से गेहूँ का उत्पादन हुआ, और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी हिंदुस्तान में नंबर एक पर हमने खरीदी करी। पर आपको मालूम है कि लॉकडाउन की स्थिति थी और इसी बीच में बारिश भी भयंकर चल रही थी, तो लगातार इस लॉकडाउन की स्थिति के कारण से और बारिश होने के कारण से सोसाइटियों पर हमने खरीदी तो बहुत है, पर कहीं ना कहीं परिवहन नहीं होने के कारण से या परिवहन की ठीक व्यवस्था नहीं हो सकने के कारण से जो भी परिवहन के ठेकेदार थे उन्होंने समय पर माल नहीं पहुंचा करके बहुत बड़ी गलती करी, और किसानों के द्वारा उपार्जित गेहूँ को प्रशासन के द्वारा उपार्जित किए गए गेहूँ को समय सीमा के अंदर में परिवहन नहीं करने के कारण से हमारा बहुत सारा गेहूँ जगह पर रखे रखे पूरा गीला हो गया। विधायक राकेश पाल ने कहा कि परिवहनकर्ता एवं मार्केटिंग फेडरेशन की प्लानिंग में कहीं न कहीं गलती थी, जिसके कारण खरीदी केंद्रों में वर्षा होने से बड़ी संख्या में अनाज खराब हो गया। परिवहनकर्ता विपणन संघ और खरीदी केंद्र के प्रबंधकों पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। मार्केटिंग फेडरेशन के लोगों का अव्यवस्थित प्लानिंग की वजह से ये हुआ है, जिसमें दोष जो है परिवहनकर्ताओं का भी है और मार्केटिंग फेडरेशन के लोगों का भी, और साथ ही जो सोसाइटियां खरीद रही थी उनका भी दोष है कि उन्होंने स्टैकिंग जो है बराबर लगाई नहीं। यदि स्टैकिंग भी बराबर होती तो भी जो है बहुत सारा गेहूं जो है बच जाता। तो ईमानदारी से इस सारी नुकसानी की जो भी कहानी है, कार्रवाई परिवहनकर्ताओं और विपणन संघ के लोग और सोसाइटी के प्रबंधकों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इस विषय पर लखनादौन विधायक योगेंद्र सिंह ने भी कहा कि खरीदी के दौरान बहुत से ऐसे किसान हैं जिनका अनाज आज भी पोर्टल में तक दर्ज नहीं हो पाया। परिवहनकर्ता और मार्कफेड की गलती से बड़ी संख्या में किसानों का गेहूँ सड़ गया। जैसा आप जानते हैं, वर्षा के कारण हमारे जिला में 14,000 मैट्रिक टन गेहूं सड़ गया है। यह सब परिवहनकर्ता और मार्कफेड की लापरवाही के कारण हुआ है। इससे हमारे क्षेत्र के अन्नदाता किसानों को भारी नुकसान हुआ। अधिकांश जगह तो गेहूं पोर्टल पर चढ़ा भी नहीं है। सिवनी जिले में परिवहन के आंकड़ों में एक नया रोचक तथ्य सामने आया है। कल तक जो अधिकारी जिले में रिजेक्ट किए गए गेहूं की मात्रा 14,000 मैट्रिक टन बता रहे थे, पर आज प्राप्त हुए आंकड़ों के आधार पर यह आंकड़ा 16,000 मैट्रिक टन से भी ज्यादा है, जो कि जबलपुर एवं छिंदवाड़ा जिले की गोदामों में रिजेक्ट किया गया है। बहरहाल बात तो बहुत हुई, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई आखिर कब? ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, सिवनी।